आईपीएल लीग के 14 सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल से चेन्नई में होगी। उद्घाटन मुकाबले में मुंबई इंडियंस और आरसीबी की टीम आमने सामने होगी, जबकि 10 तारीख को धोनी की टीम सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स की भिड़त होगी। उधर शेड्यूल का ऐलान होते ही सभी टीमों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। इसमें सीएसके की तरफ से मंगलवार से नेट अभ्यास भी शुरू कर दिया। वहीं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में सीएसके के खिलाड़ियों ने आईपीएल 2021 के लिए नेट अभ्यास में हिस्सा लिया। इससे पहले खिलाड़ियों को नियम के तहत पृथकवास में रहना पड़ा और आरटीपीसीआर जांच में नेगेटिव आने के बाद उन्होंने अभ्यास शुरू भी किया। वहीं टीम की सोमवार को शुरू हुई शिविर में करिश्माई कप्तान धोनी के अलावा अनुभवी बल्लेबाज अंबाती रायडू, ऋतुराज गायकवाड़ और कुछ अन्य खिलाड़ी भी नेट में अभ्यास करते हुए नजर आए। हाल ही में हुई खिलाड़ी की नीलामी में टीम के साथ जुड़े तमिलनाडु के एन जगदीशन, आर साई किशोर और सी हरी निशांत ने धोनी और रायडू के साथ अभ्यास भी किया। शिविर में नए अंदाज में हरिशंकर रेड्डी भी शामिल हुए। वहीं टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथ ने कहा, सीएसके खिलाड़ियों ने अपना प्रतिक्वास पूरा करने के बाद कल से अभ्यास शुरू किया है। धीरे धीरे कुछ और अन्य खिलाड़ी भी प्रतिक्वास अवधि को पूरा कर टीम से जुड़ेंगे। आने वाले दिनों में लेग स्पिनर करण शर्मा और भगत वर्मा भी टीम के साथ। मैं आपको बता दें कि लंबे समय बाद अब धोनी एक बार फिर मैदान पर वापसी कर चुके हैं। वहीं सूत्रों की माने तो महेंद्र सिंह धोनी ने बल्लेबाजी के साथ कीपिंग प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आए। खैर, आपकी क्या राय है सीएसके को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। एलडी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।